हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही सिंपल और इजी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी रेसिपी। तो चलिए इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने ले लिए हैं 2 आलू। इसे हमने अच्छे वॉश करके पील कर लिया है। तो चलिए इसे हम इस तरह से हम इसे स्लाइस कर लेंगे। सारे आलू को हमने अच्छे से स्लाइस कर लिया है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। स्क्यूअर ले लेंगे, इसके अंदर आलू को हम इस तरह से इंसर्ट कर लेंगे। हमने यहाँ सभी आलू के स्लाइसेस को इस तरह से स्क्यूअर में प्लेस कर लिया है। इसी तरह से हम सभी आलू को स्क्यूअर में प्लेस करते जाएंगे और साइड में रखते हुए जाएंगे। हमने यहाँ सभी स्लाइस्ड आलू को स्क्यूअर में प्लेस कर लिया है। इसे हम साइड में रख देंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम ऐड कर देंगे कुछ मसाले जो मैंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। इन सभी मसालों को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा, फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कॉर्न स्टार्च पाउडर। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। साथ ही में हम इसमें ऐड कर देंगे आधा कप पानी और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। ज़्यादा पानी ना ऐड करें, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए। हमने जो आलू के स्पाइरल्स जो साइड में रखे थे उसे उठा लेंगे। बैटर में इसे हम अच्छे से कोट कर लेंगे। इस तरह से हम स्पून की मदद से इसे हम कोट कर लेंगे। इसी तरह से हम सारे आलू के सारे स्पाइरल्स को हम कोट करते जाएंगे और साइड में रखते जाएंगे। हमने यहाँ सारे स्पाइरल आलू की कोटिंग कर ली है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। इसे हम फ्राई कर लेंगे। कढ़ाई में ऑयल को हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। फिर हम इसमें ऐड कर देंगे सारे स्पाइरल आलू। इसे हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक का फ्राई कर लेना है। इसे हम मीडियम लो फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, नीचे से इसके साइड्स को हम पलट देंगे। ये अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, आप देख सकते हो ये अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं सर्विंग प्लेटर में। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।